आज मैं आपके लिए बैंगन का भरता बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने 4 बैंगन लिया है और इसमें चीरा लगा दिया है। आप देख सकते हैं हमने चीरा लगा दिया। चीरा लगाने के बाद हमने गैस स्टार्ट किया, गैस पे जाली रखा और उस पर बैंगन को पकने के लिए रख दिया। बैंगन को अच्छी तरह से सजा दिए ताकि उसमें अच्छे से आग लग सके। इसको घुमा घुमा के अच्छी तरह से हम पका लेंगे। अगर आपको भी बैंगन का भरता खाने का कभी इच्छा हो तो इस तरीके को आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या आपको सब्ज़ी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो सब्ज़ी का काम कर जाएगा। ये कुछ प्याज लिया है, टमाटर लिया और लहसुन लिया है मैंने, उसको बारीक काट लिया। बैंगन हो गया है, बैंगन को छील लेते हैं हम। बैंगन को अच्छी तरह से साफ करके छील लेंगे। अब मैंने बैंगन को छील लिया है, अब बैंगन में थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे हम। बैंगन को काट लेंगे हम वापस से कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें थोड़ा सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल डालने के बाद सरसों तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें जीरा और राई डालेंगे। ये जीरा डाल दिया मैंने और राई डाल दिया। अब इसमें सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे। लहसुन डाल दिया मैंने। लहसुन को थोड़ा सा पकने देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज भी डाल दिया मैंने। अब इसको ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर डाल दिया है हमने। टमाटर को थोड़ा पका लेंगे हम। टमाटर पक जाने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। जब ये मसाले डालते हैं हमें सबसे पहले धनिया डालो, मिर्ची डालो, हल्दी डालो, नमक डालो और अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो ये लीजिए मैंने गरम मसाला डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, तो थोड़ा पका लेंगे। अब हम इसमें ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो पूरा देखिए। अब हमने बैंगन डाल दिया है। बैंगन को पूरा मैश करेंगे, पूरा मिलाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। अभी तो हम पूरा ग्लास से मैश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मैशर नहीं है, तो फिर ग्लास से मैश कर रहे हैं। पूरा मैश करेंगे, पूरा मैश करने से क्या होगा कि हर फ्लेवर अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो पक भी रहा है, हाथ जलने का डर रहता है, इसलिए मैं सलाह दूँगा कि मैशर से मैश करें। बस आपका बैंगन का भरता तैयार है।